नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से है, जो कि जीके जीएस करंट अफेयर तथा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 2020-21 में वर्तमान मूल्य के आधार पर कितना है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 362,214 करोड़ रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जो 2020-21 में, उसका वर्तमान मूल्य के आधार पर 362,214 करोड़ रुपया है। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, चिराग परियोजना एक बहुक्षेत्रीय पहल है और इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, कृषि विकास विभाग। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कृषि विकास विभाग। देखिए, इसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा, जो चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन पर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना, यह कृषि विकास का विभाग है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ लगा है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी कोरबा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला कार्बन फ्लक्स टावर बलरामपुर में लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, दूसरा है रविशंकर शुक्ल सम्मान, तीसरा है गुरु घासीदास सम्मान, और चौथा है मिनी माता सम्मान। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। तो 2021 के राज्य अलंकरण पुरस्कार में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी सामरीपाट है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सामरीपाट, सबसे ऊंचा भाग सामरीपाट है। देखिए, इसका मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ कि सामरीपाट बलरामपुर जिले में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा जो 1225 मीटर भी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां सवाल। निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली है? तो कौन सी बोली है? पहला है कलंगा, दूसरा है बट्टी कवलवा, तीसरा है पौड़ी, और चौथा है कोंगू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, छत्तीसगढ़ी भाषा की बोली है कलंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप सभी के लिए यह परीक्षा उपयोगी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं यहाँ सवाल। सातवां प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य के लगभग 1,000,000 मजदूर परिवारों को कितनी अनुदान सहायता दी जाएगी? तो कितनी अनुदान सहायता दी जाएगी? 6,000 प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6,000, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यह सवाल जनजाति से पूछा गया है, नृत्य संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ में बैगा समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है? यह एग्जाम में आपको मिला होगा देखने को। ठीक है, यह कौन सा प्रश्न है? आठवां प्रश्न है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सैला नृत्य, जो बैगा समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह रिपीट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, CG व्यापम, PSCA वगैरह में, है ना। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि यह 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, तो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित देवपहरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी को मालूम होगा, ये छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ाया था मैंने, तो इसका आंसर हो जाएगा चोरनई नदी। कौन सी नदी? चोरनई नदी, देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है आपके सामने। सकल नारायण गुफा
सकल नारायण गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, बालोद, बीजापुर, जशपुर। इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर में सकल नारायण गुफा छत्तीसगढ़ के जिला में स्थित है। देखिए यहाँ पर जनगणना से कई बार सवाल पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आप सभी को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 76.98% है। अगर यही आपको महिला के लिए पूछा जाता तो आप यह आंसर महिला के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रेगुलर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन है, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ से आप पढ़ ही रहे हैं, तो चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबाजी, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी है। ये नौवां वाला प्रश्न एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य गठन किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, लेकिन इस योजना का कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक चला था, है ना, इसी को मैं बताना था। चलिए देखते हैं फिर से अगला सवाल, जो कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ किस रियासत के शासक थे? तो कौन से रियासत के शासक थे आप बताइए। चलिए, जशपुर, सारंगढ़, कवर्धा, सरगुजा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारंगढ़। श्री नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ रियासत के शासक थे। यह आज का पार्ट वन वीडियो है। कल आपको पार्ट टू वीडियो कराएगा, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह आपको आज 15 क्वेश्चन था पार्ट वन का। रेगुलर क्लास करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।